को मैंने मुंहतोड़ जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब अपने निर्णय के माध्यम से सचकर स्ट्राइक के माध्यम से स्ट्राइक के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। कहाँ महंगाई है, बात करते हैं हर चीजों पर आप महंगाई है बोल, बोल, बोले तो विपक्ष बस आरोप प्रति आरोप लगा सकते हैं। आप अपने अपने बच्चों को अपने परिवार को इलाज कराने के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से वैसे परिवार को निःशुल्क 5 लाख का इलाज का सुविधा दिया है। तो मैं अंकित सिंह राठौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हमारे साथ हैं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है सर मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, और आपके न्यूज चैनल को देखने वाले मीडिया दर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपको बता दें कि आदित्य जी बहुत बड़े हमारे यहाँ औरंगाबाद क्षेत्र के भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं और चुनावी माहौल के बारे में। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काराकाट लोकसभा काफ़ी बहुत चीज मानी जा रही है, सर क्या देखने मिल रहा है? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये बिहार में जो चुनाव है 40 सीटों पर, लोकसभा के 40 सीटों पर, पूरी तरह से यह बिहार इस बार के चुनाव में पूरी तरह से मोदी में रहेगा। अच्छा, और 40 के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अजय बढ़त हासिल करने जा रही है जी। और हम बिहार से कुछ रिसीव करने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ना जाति समीकरण के आधार पर मतदान कर रही है, वो मतदान इस बार बिहार की जनता सजग और जागरूक होकर वो विकासवाद के नाम पर, अपने राष्ट्रवाद के नाम पर, प्रगति के नाम पर मतदान करेगी, तो निश्चित रूप में काराकाट का भी परिणाम मोदी में ही रहेगा। हमारे ये एनडीए के प्रत्याशी वहां से जीत रहे हैं। सर ऑपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी है वो या आरजेडी का पार्टी जो भी है वो आरोप लगाती है कि ये सरकार नहीं चलेगी, डबल इंजन की सरकार, बहुत तरह के लगाती है एलिगेशन, क्या लगता है? देखिए एक कहावत सुने होंगे अंकित जी, वही आपको विपक्ष की स्थिति बनी हुई है, विपक्ष धरातलीय स्तर पर है ही नहीं, अब उनको जनता नकार दी है, धरातलीय स्तर की राजनीति विपक्ष के पास बचा ही नहीं, वो सिर्फ आरोप प्रति आरोप ही राजनीति कर सकते हैं। ये कहावत सुने होंगे, बस वही कहावत पर सिद्ध होता है, ऊपर से ताम झाम के सर अपरेखा का, वही स्थिति विपक्ष के साथ बनी हुई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ वो मुद्दा यही कर सकते हैं कि मोदी राम मंदिर में वोट ले रहे हैं तो मोदी ये कर रहे हैं, बस इन्हीं आरोप प्रति आरोप के नाम पर। उनके पास कोई मतलब सही ऑथेंटिक रूप से कोई उनके पास आपको बोलने का बात रखने का जनता के पास कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी दावा किए कि 40 से 40 सीट बिहार से लेंगे और 400+ जी जो कि ऑल ओवर इंडिया से इनका जो होगा बहुमत होगा जी, विपक्ष पूरा लगे हारी हुई है, जो गांधी जी राहुल गांधी जी महाराज भारत जोड़ो आंदोलन, अब जगह जहाँ पर उनका एलिगेशन रहता है कि मोदी जी की महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, किस हद तक के बात सही है? देखिए सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो भाजपा का यह संकल्प है इस बार के चुनाव में, भाजपा का संकल्प नहीं, यह 135 करोड़ जनता का संकल्प है कि अब की बार भाजपा 400 पार। अच्छा, ये भाजपा का संकल्प नहीं है, यह भारत की जनता का संकल्प है, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है कि हम भाजपा को सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, मोदी जी के हाथों को सशक्त करें, जिससे भारत हमारा फिर से प्रगति की ओर बढ़े, भारत सशक्त बने, हमारा देश सशक्त बने। आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि हम प्रधानमंत्री के वो कुशल कार्य रहा कि हम पहले जैसे आपको हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले हमारे देश में जो पुलवामा हमला हुआ था, उनको मैंने वैसे पाकिस्तानियों को मैंने मुंहतोड़ जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब अपने निर्णय के माध्यम से सचकर स्ट्राइक के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। चीन जैसे देश को मैंने डोकलाम के मामले में पीछे करने का काम किया, और अभी आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति, जो अभी आपको यहाँ पर युद्ध चल रहा था आपका यूक्रेन का, तो वहां का जो छात्र थे वो हम लोग के देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, यहाँ तक दूसरे देश के छात्र भारतीय तिरंगा को लेकर सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के द्वारा वो उनका उनकी जान सुरक्षित बची और सुरक्षित तौर कर आए। अच्छा यह परिवर्तन है। अच्छा तो बोल रहे हैं कि बाहर तो ठीक है लेकिन अंदर आपका सही नहीं है ना जी, बोले कि अंदर का जो महंगाई है इस सेक्टर जो GST सब जो अपोजिशन बता दिए एलिगेशन लगा दिए उसमें क्या कहना चाहते हैं? कहाँ महंगाई है, आप बात करते हैं हर चीजों पर, आप कहाँ महंगाई है बोल, बोल, बोले तो विपक्ष बस आरोप प्रति आरोप लगा सकते हैं। अब हमारे मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, सभी के हित के लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। आपको वो भी दिन याद होगा कि जिस समय कांग्रेस की शासन काल थी, उस समय अगर किसी हमारे आपको अपने परिवार के सहाय परिवार जरूरतमंद परिवारों का अगर उनके उनके घर में परिजन का कोई किसी का सदस्य का तबियत खराब हो जाता था, तो अगर उनके पास गांव में कोई पुश्तैनी जमीन है तो उस जमीन को बेचना पड़ जाता था अपने अपने बच्चों को अपने परिवार को इलाज कराने के लिए। लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से वैसे परिवार को निःशुल्क 5 लाख का इलाज का सुविधा दिया है। तो अब आपको अगर बात किया जाए तो कोरोना काल से वैसे घरों में जिनके घर में राशन की दिक्कत के कारण उनके घर में भोजन नहीं जुट पाता था, वैसे लोगों को हम लोग अनाज प्रबंध कराने का काम किया है। हर घर में हर व्यक्ति के सदस्यों के अनाज दिया जा रहा है। आप बात करते हैं कि बेटियों के लिए कई ऐसी जनाकांक्षी योजनाएं चल रही है जिससे बेटियों का स्वावलंबी बना सकते हैं, तो हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का काम हो रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आया था सर, कांग्रेस मैनिफेस्टो बोला कि जो हर महिला गरीब महिला के 1 लाख रुपए देंगे, और बीजेपी ठगने की काम कर रही है जो ये सब प्रलोभन दे रही है। अरे सही है, देखिए भाजपा आज तक ना कभी अपना स्वार्थ की राजनीति की है, जब भी भाजपा सत्ता में रही है चाहे वोटा जी का कार्यकाल से देख लीजिए, तो हमारे सर्वोपरि जनता रही है, हमारे सर्वोपरि देश रहा है, ना कि अपना सत्ता के सुख के लिए हम जनता को ठगने का काम करते हैं। अरे 60 सालों से तो आपने ठगा जनता को, जो आपने महागठबंधन बनाया वो महागठबंधन नहीं, आपका एक जनता ने उसको ठगबंधन के रूप में साबित कर दिया कि अभी तक आपने वहां पर महागठबंधन बनाया था, इंडिया एक दल बनाया आपके भाई मोदी जी को परास्त करने के लिए, लेकिन लोगों ने आपकी कपटी नीति को समझ लिया, आप लोगों ने जनता ने आपको नकारने का काम किया है। जब तक आपने कहा भी जाता है अंकित जी कि आपके घर से बारात निकले, आप बारात निकल रहा है आपके घर से, आपका दुल्हा ही तैयार नहीं, दुल्हा कौन बनेगा, वही स्थिति है विपक्ष के साथ। अभी तक उन्होंने लिया कि हमारा नेतृत्व चेहरा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष ने क्या किया है, नहीं किया है। इंद्र आपको ममता बनर्जी इनको खुद को नेता मानने को तैयार नहीं है, आपको अरविंद केजरीवाल खुद को नेता मानने को तैयार नहीं है। अभी तो आए बाहर ना सब, उनको तो सपोर्ट कर रहे हैं सर, तो वही कह रहे हैं कि इनको कौन नेता मानने को तैयार है, कोई आप पहले खुद में लोग लड़ रहे हैं सत्ता के सुख के लिए, जनता लेकिन ठगबंधन में नहीं आने वाली। जैसे 1.5 साल से राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा आंदोलन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि लोग उनसे ज्यादा जुड़ रहे हैं। यह बस वही चीज है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का, जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा करता है ठीक है, और वो व्यक्ति आपको कुछ दिन पूर्व में आपको पता होगा राहुल गांधी का एक बयान आया था कि भारत माता कौन है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं साहब, और आप बोल रहे हैं भारत माता कौन है, भारत माता के जय घोष करने से आप पीछे हटते हैं, वंदे मातरम जय घोष करने से पीछे हटते हैं, जय श्री राम के जय घोष करने से पीछे हटते हैं, और बात कर रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा का। या ऊपर से दिखावा वाला काम बंद कीजिए। आज हमारी पार्टी ने, भाजपा ने ऐसे लोगों को, ऐसे कपटी चेहरों को, हमने उन्हें जो भारत माता का जय घोष करने से पीछे हटते थे, वंदे मातरम के जय घोष करने से पीछे हटते थे, जय श्री राम के जय घोष करने से पीछे हटते थे, हमारे पार्टी के कार्यों से ये प्रेरित होकर अभी हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि भाई अब कहीं ना कहीं भाजपा का ये दिन है कि कम से कम ये भी भारत माता की जय घोष और वंदे मातरम करने लगे हैं। अच्छा सर ये बताइए, हम अभी बिहार पे आते हैं, बिहार में 40 सीट, कितना सीट बिहार में आपके हिसाब से आई? अभी मैंने पूर्व में ही बोला आपको कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के शासन काल में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम इस बार पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन में तो देख रहे हैं कितना टक्कर दे रही है ना, तो पूछते क्या इसे पिछले बार का देख लीजिए, 39 आया था पूरा, तो देख रहे हैं 40 सीटों पर बहुत जा रहा है चैलेंज जी बोल रहे हैं, यानी कि अरे 5 लाख दिए नौकरी, ये सब प्रसादी बैठक है। जैसे प्रसादी बैठक का काम क्या होता है, प्रसाद के समय वो ट्रक में रखते हैं, आप रोहिणी आचार्य जी की बात करते हैं, ऐसे क्या उनका चुनावी रणनीति का अनुभव है,
अरे आप मानते हैं क्या? आप एक सत्ताधारी के दावा तो कर रहे हैं ना, आप एक सत्ताधारी की बेटी हैं, आपके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या इसी में इस पर आप क्या जनता से वोट लेकर के आपका सांसद बन जाइएगा? अब वो नीति चला गया, आप जनता ने उखाड़ फेंकेगी, परिवारवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, आपको आपको मंत्रवाद की राजनीति वो खत्म हो गई। अब आपको जनता विकासवाद की राजनीति चुन रही है, आपको जनता राष्ट्रवाद की सत्ता खोज रही है। अच्छा ये बताइए, बिहार में या पूरे भारत में कहा जाए तो खास कर बिहार में जातिवाद फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है, क्या किस हद तक बीजेपी इसको निकालते हैं? यही तो दुर्भाग्य है बिहार का, दो राज्यों का ही दुर्भाग्य रहा, बिहार और उत्तर प्रदेश का, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के